कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो, अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो, करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। राज्यसभा चुनाव को अगर आप राजनीतिक भूकंप के तौर पर देखें तो उसके आफ्टर इफेक्ट अभी तक महसूस किए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में कुछ समय तक महसूस किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव जब तक नहीं हो जाएगा तब तक इसका आफ्टर इफेक्ट आपको दिखेगा, उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल तक, सब जगह। स्वाभाविक है, कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसकी अवधि तो थोड़ी सी रहती है लेकिन उसके प्रभाव की अवधि लंबी होती है, बहुत कुछ अस्त व्यस्त कर जाता है। वैसा ही हो गया उत्तर प्रदेश में। हिमाचल में तो सरकार ही टक गई खूंटी पर। कांग्रेस के लिए ऐसा शर्मनाक स्थिति कभी पैदा नहीं हुई होगी। 40 विधायक हो आपके पास और आपका राज्यसभा का उम्मीदवार हारे और उम्मीदवार हारे सो हारे, आपकी सरकार खूंटी पर टंग जाए। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, इधर सपा कांग्रेस में गठबंधन हुआ, उधर सपा में बगावत हो गई। जहां जहां चरण पड़े संतन के वैसी स्थिति हो गई। कुछ लोग कह रहे आप शगुन है, एक दूसरे के ग्रह नहीं मिल रहे, पत्री नहीं मिलाई गई, समाजवादी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण इलाकों में बगावत का शिकार हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे लोग वो लोकसभा क्षेत्र साध लिए जहां उसको कमजोरी थी। दो लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं इसमें जहां हारी थी वो, रायबरेली और अंबेडकर नगर, और बाकी जगह उसने अपने को मजबूत कर लिया। प्रयागराज हो, बदायूं हो, अमेठी हो, इन सब जगहों पर भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के ही रणनीति के तहत के जरिए अपने को मजबूत कर लिया। कौशाम्बी हो, प्रयागराज में तो अभी धरती और हिलने वाली है, संगम की भूमि है। कुंवर रेवती, रमन सिंह, कर्छनाक नरेश, उनका भी मन डोल रहा है सपा से, लग रहा उनका भी मन भर गया, समय पूरा हुआ सपा के साथ उनका। पूजा पाल ने कहा कि हमारा वोट योगी जी के लिए। ये पूजा पाल कौन है, ये राजू पाल की पत्नी है। जिस ढंग से अतीक के गैंग पर लगाम कसी योगी आदित्यनाथ ने, पूजा पाल कह रही है हम उसके लिए योगी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए वोट दे गए, दे रहे भाजपा को। पूजा पाल फूलपुर से या कौशाम्बी से भाजपा की उम्मीदवार हो जाए लोकसभा में तो कोई चौंकने की बात नहीं होगी। मनोज पांडे बरेली, रायबरेली, तीन बार से विधायक है। राकेश सिंह तीन बार से विधायक, और भाजपा से लड़कर जीते, सीधी लड़ाई में लड़के जीते, इसलिए मजबूत हैं अपने जिलों में। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी, गायत्री रेप बलात्कार के मामले में जेल में बंद है, बात दुरुस्त है, लेकिन गायत्री के पास वोट है तभी उसकी पत्नी जीती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने में संजय सेठ की जीत में मुझे लगता है ये तो एक बाई प्रोडक्ट है,
जो कल की परिघटना से निकला है। मूल जो है भाजपा को, कोई मुझसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भाजपा को क्या हासिल हुआ, तो मैं ये उत्तर नहीं दूंगा कि एक सीट और हासिल हुई, 7 की जगह 8 जीते संजय सेठ जीते, ना। मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कम से कम 7-8 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति को और कंसोलिडेट कर लिया और मजबूत कर लिया, और यही सपा का नुकसान है, यही गठबंधन का नुकसान है। अब अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं लड़े अमेठी और रायबरेली से, तो आप मानिए फिर क्या स्थिति बनेगी गठबंधन की वहां कांग्रेस की। अभी कहना ठीक नहीं, लेकिन सबको पता है क्या स्थिति बनेगी। वो लड़ेंगे तो चुनाव होगा, वो नहीं लड़ेंगे तो चुनाव जैसी स्थिति भी पैदा नहीं कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि जो सपा के सहारे वहां चलना था कांग्रेस को, उस सपा की ही साइकिल पंचर हो गई रायबरेली और अमेठी में। तब ये बड़ी चीज है, यही इसका साइड इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट है इस पॉलिटिकल भूकंप का, राजनीतिक भूकंप का। मौर्या भी, स्वामी मौर्या भी गए, जो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहे थे और जो मौर्या को पागल घोषित करते थे कर रहे थे, वो भी गए। अखिलेश जी के हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। आज गुड्डू जमाली आए हैं, आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से उनका कार्य क्षेत्र है। गुड्डू जमाली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने अभी आजमगढ़ उपचुनाव में जब अखिलेश जी ने छोड़ा था और उपचुनाव बाय इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने धर्मेंद्र यादव को हरवा दिया था, उनके चलते निरहुआ जीत गए, वो बसपा से खड़े हुए, 2.5 लाख वोट पाया और सपा की साइकिल पंचर कर दी। उनको अखिलेश जी ले आए हैं आज समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी ने उनका ग्रैंड वेलकम भी किया गुड्डू जमाली का, और कहा कि ये आजमगढ़ और पूरब के नहीं, पूरे प्रदेश के नेता है, बहुत बड़े नेता है गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली के आने से आजमगढ़ की पेशबंदी हो गई, ये बात समझ में आती है। और ये भी अब लग रहा है गुड्डू जमाली के आने के बाद कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे, ये उसी की पेशबंदी है। मैनपुरी से डिंपल यादव और आजमगढ़ से अखिलेश यादव, अब यह बात लगभग लगभग समझ में आ रही है। कन्नौज से धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे फिर, क्योंकि गुड्डू जमाली को लाने का पर्पज ही है कि एक सुरक्षित क्षेत्र हो जाए। अब गुड्डू जमाली एक व्यक्ति का नाम नहीं है, गुड्डू जमाली एक प्रवृत्ति का नाम है बसपा के लिए, और गुड्डू जमाली पैदा करना कोई कठिन काम नहीं, क्योंकि गुड्डू जमाली तो हर शहर में है, बसपा को उनके ऊपर हाथ रखना है और खड़ा कर देना है। जो जीतने के लिए नहीं लड़े, दूसरे को हराने के लिए लड़े, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है सियासत में आदमी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर इस राजनीतिक भूकंप के कंपन को नापने की आंकने की कोशिश करते। आज तो परशुराम की भी कृपा आ गई है, कल के परिणाम की तरह 80 के 80। पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है, उसी की घबराहट है बीजेपी के अंदर। तो समाजवादी को एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी ना कभी एजेंसियों से, मुकदमों से डरे हैं, ना डरेंगे। मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ। राज्यसभा चुनाव के रण में वैसे तो सभी दलों ने गुणा गणित और समीकरण के हिसाब से अपने अपने दांव चले थे, लेकिन यूपी से लेकर हिमाचल और बिहार तक क्रॉस वोटिंग ने विपक्षी कुनबे के अरमानों को कुचल कर रख दिया। सबसे दिलचस्प दंगल तो यूपी में देखने को मिला। सूबे की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत हुई। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में, जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है।
आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है, कल के परिणाम की तरह 80 के 80। उत्तर प्रदेश के दंगल में हुए उलटफेर में जहां सपा के तीसरे उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं सपा के करीब 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग के जरिए बगावत का झंडा बुलंद कर पाला बदल लिया और एक विधायक महाराज जी प्रजापति वोटिंग से नदारद रही। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस वोट से वो जीत करके आए हैं उसको कैसे फेस करेंगे आप? आप बीजेपी से लड़कर के आए, बीजेपी से मुकाबला कर करके आए, तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? अभी कुछ मिलेगा, उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है, उसी की घबराहट है बीजेपी के अंदर। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे, हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। अब राज्यसभा के रण में हुई ये क्रॉस वोटिंग लोकसभा चुनाव में करीब आधा दर्जन सीटों पर सपा कांग्रेस के गठबंधन का गणित बिगाड़ सकती है। इनमें रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी और बदायूं से लेकर अंबेडकर नगर सरीखी सीटों पर असर पड़ सकता है। बदली हुई बिजात पर बदल गया है अखिलेश यादव का पीडीए वाला प्लान। राहत की खबर जहां गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने की रही, तो वहीं नया संकट सीबीआई के समन से आखड़ा हुआ है। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। समाजवादी पार्टी लगातार गरीबों की, मजलूमों की आवाज को उठा रही है। देश में एक ऐसे गठबंधन को बनाने का काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। तो समाजवादी को एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी ना कभी एजेंसियों से, मुकदमों से डरे हैं, ना डरेंगे। यूपी के अलावा बिहार में भी विपक्ष के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन उत्तर प्रदेश में उलटफेर के अलावा सबसे बड़ी हलचल तो हिमाचल में देखने को मिली, जहां विधायकों की बगावत से हिल गई है हिमाचल की सुक्खू सरकार। अब इस घमासान से परेशान है आलाकमान। मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ, इसको हम होने नहीं देंगे। बहरहाल राज्यसभा के इस चुनाव ने विपक्षी दलों को बड़ा तनाव दे दिया है, क्योंकि राज्यसभा के बाद जहां अभी यूपी में विधान परिषद का चुनाव होना है और इसके बाद दहलीज पर खड़ा है लोकसभा का दंगल, तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का इफेक्ट लोकसभा में दिखाएगा साइड इफेक्ट? लोकसभा चुनाव देहरी पर है, उससे ठीक पहले राज्यसभा चुनाव के जरिए राजनीतिक भूकंप आया। उस भूकंप के आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे थे कि इसी बीच में सीबीआई ने अवैध खनन मामले की जांच, जो हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कर रही है, उसमें अखिलेश यादव जी को गवाह के तौर पर हाजिर होने का नोटिस भेज दिया कि आइए आपसे पूछताछ होनी है। ये एक और बड़ा पेंच आ गया इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम में। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह साहब का स्वागत है। तारिक खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तारिक खान साहब का स्वागत है। उमेश यादव हैं, SBSP के प्रवक्ता, उमेश जी का स्वागत है। राजभर जी की पार्टी भी कल पेंडुलम कितना ढूल रही थी, वहां भी सेंध लगी, सेंध केवल सपा में नहीं लगी। इसीलिए कहा जाता है बोलो कम गुनो ज्यादा, काम पे ध्यान देते तो ये स्थिति नहीं होती। ये बात सपा पर भी लागू है और राजभर की पार्टी पर भी लागू है। और संजय राणा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा जी, आपसे बात शुरू करता हूं। मैंने इसको शब्द दिया राजनीतिक भूकंप, और जब भूकंप आता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट बड़े खराब होते। भूकंप तो सेकंड्स का ही होता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, लेकिन उसके बाद का जो बवाले जान होता है वो बहुत लंबा होता है। कई बार तो इतना गजब का, इतना भयंकर भूकंप होता है कि सालों लग जाते हैं फिर चीजों को दुरुस्त करने में। उसके आफ्टर इफेक्ट हमको उत्तर प्रदेश से लेके देश के अन्य राज्यों में दिख रहे हैं और लोकसभा चुनाव सर पे है, और इसी बीच में ये सीबीआई की भी एंट्री हो गई। क्या स्थिति बन रही है, क्या परिस्थिति बन रही है संजय जी? देखिए अमिताभ जी, जब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की और जो घटनाक्रम कल राज्यसभा के जो मेंबर के चुनाव में हुआ है, उसको देखते हुए हम ये कहेंगे
भूकंप तो आया है रिक्टर स्केल पे 8.8 का आया है। इसका परिणाम बहुत दूर तक जाएगा और 20 सेकंड का नहीं, सिर्फ 5 ही सेकंड का था, लेकिन रिक्टर स्केल पे बहुत ज्यादा है। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने जब से गठबंधन किया है तब से कहीं ना कहीं विरोधाभास के सुर उठ रहे थे और कई लोगों से मैं आज भी मिला, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, कहीं ना कहीं लोग उदासीन है, दुखी है। ऐसा दुखी नहीं है कि सब इनके नेताओं के कार्यप्रणाली से दुखी है, इनके जो नीति है उससे भी दुखी है। जब नेता दुखी हो जाता है उसको जनता को फेस करना है, जनता के बीच मुद्दा लेके क्या जाएगा। आप देखिए अभी आपने अपने प्रोमो में दिखाया कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। देखिए मैं कुछ दिन पहले कन्नौज में था, मुझे उम्मीद थी कि कन्नौज से लड़ेंगे, लेकिन 100% 200% बोलते हैं समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, इवन दो अखिलेश यादव जी अगर कन्नौज से लड़ जाए तो भी हार जाएंगे। आज के दिन में उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति दिख रही है, मैं राज्यसभा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो घटनाक्रम हुआ तो रिक्टर स्केल में बहुत बड़ा हो गया। मैं लोकसभा की चुनाव की चर्चा कर ले तो 4 से 5 अगर सीट आ जाती समाजवादी पार्टी के लिए अमिताभ जी, तो बहुत बड़ी बात होगी। उसका कारण है क्योंकि जनता की नब्ज को आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो समझ लीजिए आपके अंदर नेतागिरी करने का कोई काबिलियत नहीं है। जनता की नब्ज को पकड़ो और जनता की बातों को समझो, और जो जन आक्रोश है या जनता की चीजें हैं उसको लेके जाओ। देखिए आप ही बताइए, हम तो छोटी सी बात बोलते हैं, अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो उसमें किसी को जाने से किसी ने रोका नहीं। हम कहते हैं अगर मस्जिद बन रही हो रही होती तो उसमें कोई मौलाना मौलवी या कोई नेता जाता, उसमें भी उनका हक जाने का। इस तरह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे हैं लोग, उससे कहीं ना कहीं इनके अपने नेता भी चुप है। देखिए कहीं ना कहीं वोट हिंदू मुस्लिम सभी लोग देते हैं, और इस तरह की भावना के लाइन अगर आप खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश है, ठीक, इसका खमियाजा हो सकता है समाजवादी पार्टी को बुरी तरह फेस करना पड़े 2024 के चुनाव में। तारिक खान साहब, 3-4 घटनाएं एक साथ घट गई जिनों, अच्छा समा अभी मेरे सहयोगी मुझसे पूछ रहे थे कि सर वो यूपी में बड़ी गुप्त क्रांति हो गई। मैंने ना, कोई गुप्त नहीं हुई, कोई क्रांति नहीं हुई, ऐसा ही होगा, ये सबको पता था, जिनको नहीं पता उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्या मनोज पांडे आज से चिल्ला रहे थे कि भाई इसको मौर्या को रोको, ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गए, नहीं रोका गया, मौर्या भी चले गए, पांडे भी चले गए। क्या राकेश सिंह घोषित तौर पर कह रहे थे कि राम मंदिर के दर्शन करने सबको जाना चाहिए हमारी पार्टी में, नहीं माना कोई, चले गए। नहीं तारिक खान साहब, तो ऐसा नहीं कोई गुप्त हुआ, ये लोग निराश थे, क्षुब्ध थे, उनको पहला अवसर मिला वो बस पकड़ लिए। अब कम से कम 6-7-8 जिलों में स्थिति खराब हो गई, क्योंकि ये मजबूत प्लेयर, इनको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं इनकी कोई हैसियत नहीं ना। बीजेपी से जब बड़े बड़े सूरमा लड़के हार रहे, तो अगर मनोज पांडे 3 बार जीत रहे हैं सीधी लड़ाई में, या राकेश सिंह जीत रहे हैं, या अंबेडकर नगर में रितेश और उनके पिता भाजपा को हरा रहे हैं, तो मजबूत तो हैं नहीं तारिक खान? सूरज ढला जो साय की सूरत बदल गई, सूरज ढला जो साय की सूरत बदल गई, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। अच्छा शेर है। अब क्या हुआ कि इन विधायकों की जरूरत बदल गई, हुआ सिर्फ इतना है। अच्छा एक चीज और है, भूकंप आया अभी कुछ दिन पहले भी, भूकंप आया दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, भूकंप आ गया, फिर भूकंप में जी 2 बड़ी इमारतें गिर गई। वो कौन सी इमारतें हैं? वो 2 बड़ी इमारतें हैं, एक तो दारा सिंह चौहान खुद और ओपी राजभर। क्यों? क्योंकि ओपी राजभर ने कहा कि सीट तो जेब में रखें, जेब फट गई, सीट चली गई समाजवादी पार्टी के पास। मौर्य जी की एक तारीफ करूंगा कि वो गए तो वो सीट से इस्तीफा देके गए, इन लोगों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों नहीं दिया? मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी की सीट वापस कर दी कि लो भैया तुम भी वापस कर देते। चुनाव कोई कहीं से लड़ भी सकता है, हार भी सकता है। इंदिरा गांधी हार गई, मनमोहन सिंह हार गए, अखिलेश जी भी लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी करना मुझे नहीं लगता कि जो लोग किसी टीवी चैनल पे आए तो करें। हाँ हो सकता है जीत जाए, बड़े 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 लोग हैं,
कोई कहीं से भी लड़ सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने लोग गए हैं ये दारा सिंह चौहान बनेंगे आने वाले टाइम में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक ने फिर से सीट छोड़ के, और एक बात है जी, ये एक प्रक्रिया है लोगों को सख्त बनने, ये कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं चल रही। अब गायत्री प्रजापति सख्त बन जाए, अभय सिंह जेल में रहे, नेताजी ने उपकार किया, कहा कि मेरे ऊपर उपकार किया, जेल से लड़ा दिया, अब वो संत हो गए, साधु हो गए, महान आत्मा हो गई, धन्य हो गए एकदम। क्या बात है भाई, ठीक क्या प्रक्रिया है जी। राकेश सिंह जी संत हो गए जी, जो संत बनाने की प्रक्रिया है, ठीक ठीक है। प्रणाम कर जी, मैं प्रणाम कर रहा हूँ संत बनाने, ठीक है ठीक है ठीक। मैं उमेश यादव के पास चलूंगा, फिर ओपी सिंह के पास जाऊंगा, एक बात मैं कहूँ, ठीक है तारिक, ठीक है भैया, अच्छा हाँ भैया बताओ 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 भैया बताओ। मैं चाहता ये हूँ कि गायत्री प्रजापति की आज ओपी सिंह साहब थोड़ी सी तारीफ कर, ठीक, क्योंकि मेरे कान पक गए गायत्री प्रजापति की बुराई सुनते सुनते, मेरे कानों से खून निकला। ठीक है तारिक खान, ठीक है ठीक है, गायत्री प्रजापति बलात्कारी बलात्कारी बलात्कारी, ठीक है, तो आज थोड़ी सी तारीफ जरूर कर। अब ओपी सिंह के पास जाएंगे तो वो आपकी बात सुन लिए, वो उसमें कहेंगे, लेकिन एक बात मैं कहूं, इस तर्क में जान निकल चुकी, ये तर्क निष्प्राण हो चुका है कई दशकों पहले, अब इसमें जूस बचा नहीं, नींव गन्ना की खोई हो गई, रस नहीं बचा कि फलाने संत हो गए ना जी। हमने जब मुलायम सिंह और कांशी में बसपा का अलायंस देख लिया अपनी आंखों से, अरे अखिलेश यादव और मायावती का, तो उसके बाद कुछ बचा? अब बहुत सारी बातें यहां कहने की नहीं, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तब क्या हुआ था, तब मुझे नहीं लगता संजय राणा या उमेश या तारिक खान राजनीति में होंगे, ये नहीं होंगे, लेकिन हम तो थे ना पत्रकारिता में, हमको पता क्या हुआ था, क्या बहन जी बोली और क्या नेताजी बोले थे, सब संत हो गए, एक दूसरे के पांव छुए, बोले बुआ है हमारी, कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए मैं इस पर की चर्चा कभी नहीं करता। गुड्डू जमाली जब धर्मेंद्र हक को हराया गुड्डू जमाली ने और निरहुआ को जिता दिया, तो गुड्डू जमाली को भरपेट गाली दी कि नहीं दी? आज अखिलेश जी ने कहा गुड्डू जमाली केवल पूर्वांचल के नहीं पूरे प्रदेश के बड़े नेता हैं और हम सब लोग इनको सम्मान करेंगे, गुड्डू जमाली तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, बोले ना? जब धर्मेंद्र हारे तो सब गाली गरिया रहे थे गुड्डू को, क्या ये सब बातें? भैया तारिक बदल गई, इन्हें कुछ रखा नहीं, जूस नहीं बचा, कोई भी किसी से भी कभी भी गठबंधन कर सकता है भाई साहब। अखिलेश जी और शिवपाल चाचा छोड़ो, जाने दो, शिवपाल जी रामगोपाल जी क्या क्या नहीं, कौन किससे कहता है, ये सब छोड़ दो, जाने दो सब। जब भाजपा की मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी से अलायंस हुआ ना, मैं तब भी नहीं चौंका, राजनीति में कुछ भी हो सकता है बाबू, इसलिए उस पर चिंतन नहीं। अभय सिंह न संत तब थे जब मुलायम सिंह उनको छांट के लाए थे, ना अभय, क्या दिक्कत है, क्या नेताजी छांट के लाए थे, और गायत्री, गायत्री भी नेताजी के नवरत्न थे, नेताजी के मन में उनके लिए इतना स्नेह था, वो जेल भी गए थे मिलने, तो ठीक है। वो तो ओपी सिंह जी बोलेंगे कि गायत्री, अभी गायत्री ने भाजपा ज्वाइन नहीं की ना महाराजी देवी ने की है, वो वोट आपको नहीं दी इसका मतलब आपसे नाराज हैं। अब बताओ नेताजी जेल चले गए फिर भी गायत्री नाराज हैं, और क्या करें, धूप बत्ती दिखाएं उनकी फोटो, क्या करते, यही राजनीति है भैया। खैर उमेश यादव जी, आपकी पार्टी का भी खेल समझ नहीं आया, बताइए क्या, कोई कह रहा एक, कोई कह रहा दो विधायक भाग गए, नहीं देखिए आदरणीय अमिताभ जी, पहले तो मैं ये कहूँ कि ये जो तारिक खान साहब ने अभी कहा, उन्होंने अपनी शायरी की पहली लाइन में मान लिया कि सूरज ढल गया, शायद आपको उनका जो दो लाइनें थी याद होंगी, उन्होंने मान लिया कि सूरज ढल गया, योग्य आदमी है, अच्छी शायरी है, ठीक है, शेर अच्छा है, आप किसके लिए, उन्होंने पहली लाइन में ये मान लिया शेर अच्छा है, अमिताभ जी उन्होंने कहा कि नहीं शेर अच्छा है लेकिन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, सिचुएशनल है। दूसरी बात, एक बात उन्होंने ये कहा कि मौर्या जी तरह हम भी छोड़ के चले जाते,
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मौर्य जी आपके कृपा पात्र थे, आपकी कृपा पर एमएलसी बने थे, हम जनता से चुन के आए। अब तीसरे आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं आदरणीय अमिताभ जी कि एक वोट की जो बात है वो लगातार समाजवाद, हमको 16 सीटें प्राप्त हुई थी, उनमें से 12 समाजवादी पार्टी ने हमें दिए थे कैंडिडेट, हम उस स्थिति में थे कि हमें उनकी बात माननी पड़ी, और उन्हीं में से ये जो राय साहब विधायक जी गए हैं, ये लगातार समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर अपनी गाड़ी घूमे, हमारे कार्यालय भी आए, गठबंधन से एनडीए में जाने से पहले तब भी वो समाजवादी पार्टी का ही झंडा लगा के आए, उसके बाद वो लगातार नदारद रहे और हम लोग उनकी स्थितियों को देख रहे थे, हम स्वीकार कर रहे हैं, और वो चूंकि उनके कैंडिडेट बनाए हुए थे, ठीक है, ठीक है उमेश यादव जी, लेकिन है, लेकिन एक सवाल हमेशा खड़ा होगा, ये बिहार में एक शादी होती है पकड़ुआ ब्याह, तो पकड़ुआ ब्याह आप कराए काय को, क्यों कराए, उम्मीदवार आपका अखिलेश यादव ने उम्मीद, ये सब नहीं, ये अगर आप इतने फिर ढीले ढाले आदमी थे तो पार्टी बंद करो यार, इनके ओपी सिंह की पार्टी माजा सुरक्षित तब भी रहोगे, देखे देखे गठबंधन धर्म का पालन करना, अरे छोड़ो महाराज काय का धर्म, राज जिनको धर्म करना है वो हरिद्वार में और ऋषिकेश में, राजनीति में धर्म नहीं चल रहा भैया, बंद कमरे में स्वीकार कर भैया, राजनीति में धर्म नहीं चल रहा, कहां धर्म चलता है, धर्म करना है तो ऋषिकेश जाओ, नहीं अरे महाराज हमको ना बताओ काय को सबसे बुराई करा दोगे, नहीं नहीं करके नहीं कहना चाहते हैं, छोड़ दो ठीक है, छोड़ दो, हमको पता है राजनीति में कौन कितना धर्म कर रहा महाराज, क्या जी फिर छोड़ो, जाने तो सबसे बुराई करा दोगे क्या एक ही दिन में, छोड़ दो। ओपी सिंह जी, भूकंप मैंने कहा, भूकंप संजय राणा ने कहा कि रिक्टर स्केल पर 8.8 था, धरती कांप गई, डोल गई, और ऐसी डोली कि डोला रे डोला हो रहा है पूरे देश में, क्या बिहार तक में डोला रे डोला हो रहा है, रोज विधायक भगदड़ मची, वहां अभी पता नहीं क्यों भगदड़ मची, तेजस्वी तो यात्रा पे है लेकिन उधर विधायक दूसरी यात्रा अब निकल गए कांग्रेस और आरजेडी के, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बताइए रेवती बाबू जैसे लोग डोला रे डोला इफेक्ट में आ गए, रेवती रमन आज के भाई, वो तब राजनीति में होंगे जब अखिलेश यादव जन्मे होंगे या स्कूल में गए होंगे, नहीं जब वो भी कह रहे कि मेरा मन भर गया अब डोला रे डोला होगा, ये क्या बवाल है भाई ओपी सिंह जी, मतलब गायत्री की पत्नी भी महाराजी देवी भी नहीं, गजबे है बिल्कुल खेला। अमिताभ जी समाजवादी पार्टी के लिए पहला भूकंप का झटका नहीं है, ये बात और है कि आप स्वीकार करो या न करो कि पहला झटका है दूसरा झटका है, लेकिन जहजा पाव पड़े कैसे आपने कहा तहता बंटा था, आप ये बताइए कि विरासत में वंशवाद के कारण आप सियासत में एक स्थान प्राप्त कर चुके हैं, और ये 2014 से लगातार भूकंप का झटका आपको लग रहा है, मैं इस माने में कह रहा हूं कि चुनाव तो होते रहते हैं, कभी लोकसभा कभी विधानसभा कभी नगर निकाय कभी जो है एमएलसी का चुनाव कभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कभी उपचुनाव ये होते आ रहे हैं जी। और इन सारे चुनावों में 2014 से आपकी क्या स्थिति है ये बताने की आवश्यकता नहीं, आपके साथ रहे ये हमको कहते हैं ना, आपके साथ रहे तो आपके प्रिय मुख्य सचेतक थे, व्हिप जारी करते थे विधानसभा में, और जब चले गए तो केवल दो लोगों की मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि अपने विधायकों के प्रति उनका क्या है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा कि ये कुकुरमुत्ते थे, अपने विधायक जो चले गए क्रॉस वोटिंग दिया उनको कहा कि ये कुकुरमुत्ते थे, ये हमारे पार्टी में भी उग आए थे, ये लेटेस्ट बयान है जी, हम मालूम लेटेस्ट बयान है कि कुकुरमुत्ते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जितने गए हैं ये बीजेपी का और आरएसएस का हमारे लिए जासूसी करते थे, अब हमको रिपोर्ट कौन करेगा। देखिए राम और रावण में अंतर क्या था, राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था,
और ये आप जानते हैं कि अहंकारी व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता, चाहे हम हो चाहे आप। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं कह रहा हूं कि वो फला जो है संत है और फला जो है राउड़ी प्रवृत्ति का है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार ये है कि जो दोनों लड़के गले मिले हैं इनकी पार्टियों में भगदड़ है, और भगदड़ का कारण यह है कि आपकी नेतृत्व और नीति को जो आपके साथ है वो उन्हें स्वीकार नहीं है। आप बताइए, पहले ओम प्रकाश राजभर जी गए, दारा सिंह गए, चलिए साहब तो चले गए, भाजपा की तरफ इनको जाना था, इनके साथ थे तो ठीक थे, चले गए तो बोले पलटू राम थे, ये थे। आज भी ओपी सिंह जी ये पूछ रहे भाई, तारिक खान का एक सवाल था, मुझे वो रखना पड़ेगा। वो कह रहे गायत्री से कुछ बात बन रही है क्या? नहीं, महाराज प्रजापति जो है वो गैर हाजिर थे, वो हमारी पार्टी में नहीं आई, क्रॉस वोटिंग किया, उन्होंने गैर हाजिर थे। अब तो इनके जांच का विषय है, और आज तो अखिलेश ने एक बहुत बड़ी बात कह दिया। अमिताभ जी थोड़ा सा डिबेट में सुनते जाइए, बोले ये तो भाजपा वाले नकली राम के समर्थक है, हमारी पार्टी में तो सारे सारे देवी देवता राम गोपाल राम शिव पाल शिव बलराम बलराम तो वो क्या कहते हैं कि राम अचल दुर्गा यादव भी थे, दुर्गा यादव दुर्गा यादव दुर्गा, अरे बाप रे बाप, इनके हैं तो सारे देवी देवताओं के अवतार स्वयं हो गए, तो क्या करिएगा, अहंकार है। दूसरी बात इंद्रजीत सरोज, हाँ, गांव में किसी को लगातार मारते जाइए तो कहता आपकी मार तो देख, आपकी मार तो देख, ठीक सारे चुनाव इन्होंने कहा कि ये सेमीफाइनल है जी, अब क्या कहेंगे कौन सा फाइनल है। राज्यसभा का चुनाव हुआ, अभी आगे विधान परिषद का भी होने वाला। नहीं नहीं, ओपी सिंह जी वो तो ठीक है, ओपी सिंह जी एक मनुको भाई, एक मनुको, लेकिन एक जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ आज शाम को, वो जो अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस हुआ कि कल आपको आना है बतौर गवाह, पूछताछ होगी आपसे, वो समाजवादी पार्टी कह रही है कि राजनीतिक तौर पर नोटिस है, चूंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए विपक्षियों को पर लगाम कसने के लिए नोटिस का सीबीआई का इस्तेमाल। ओपी सिंह जी हाँ बिल्कुल सही बात है, हार गए तो ईवीएम, जीत गए तो लोकतंत्र। आप कहते हैं हम संविधान बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं, और जब संवैधानिक संस्थाएं आपको नोटिस देती हैं तो आपको तो जवाब देना चाहिए। अच्छा, आप दूध के धुले हैं, किसी को आठवीं नोटिस, किसी को सातवीं नोटिस, और कहते हैं कि तो ये संवैधानिक संस्था है, ये तो इलीगल है साहब, हमने समझ लिया कि इलीगल है। तो आप ये बताइए, जिनका अभी माला जप रहे थे गायत्री प्रजापति, और ये खनन के मामले में अवतार जी आपको भी पता है और वो है, और गायत्री प्रजापति की क्या स्थिति रही, और ये कितने प्रिय थे मुलायम सिंह यादव के और अखिलेश यादव जी के, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जांच है भाई, आप तो दूध के धुले हो। संजय जी कहते थे अरे ये जैन को क्यों पकड़, हमको छुओ तो पता चले, आप जैन को पकड़ते हो, सिसोदिया को पकड़ते हो। आप ये बताइए कि मान लीजिए कि ईडी और इनकम टैक्स, आप यही ना आरोप लगाते हो, ये संवैधानिक संस्थाएं हमारे दबाव में। अच्छा, तो भैया अगर हमारे दबाव में है तो जब आप कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, एक एक साल 10-10 महीना हो गए, वहां जमानत आपको ठीक ठीक ओपी सिंह जी, ठीक आप आपने ठीक आपने भाजपा की तरफ से ठीक है ठीक जवाब दिया, ठीक है ओपी सिंह जी, आई बात वो चूंकि प्रश्न उठा था इसलिए मुझे उसका उत्तर आपसे लेने था। संजय राणा, एक कल हम लोग जब इस पर चर्चा कर रहे थे तो विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव का कोई मतलब नहीं, क्या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा लोकसभा पर। हमने कहा राज्यसभा का पड़े न पड़े चाचा, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के जरिए जो भगदड़ मच गई उसका तो असर पड़ेगा। वो तो अपने अपने अखाड़े के पहलवान हैं, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे राकेश हो, चाहे श्री रेवती रमन हो, चाहे बिलसी वाले हो, शिवपाल चाचा को फंसा दिया वहां, तीन बार का विधायक है कंटिन्यूअस बिलसी वाला मौर्य, ओपीडीए पूजा पाल, संजय राणा ये तो असर डालेंगे। ऐसा तो नहीं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी बदल जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे भाई। राज्यसभा में संजय सेठ असर नहीं डालेंगे, चलो समझ में आता चुनाव में, वो चुनाव के आदमी है भी नहीं,
आज अखिलेश जी ने कहा कि हमारे पास बड़ी मुश्किल से एक सेठ आया था, उसे भी भाजपा वाले ले गए। आज उन्होंने दुख जाहिर किया, तारिक खान संजय सेठ के लिए अखिलेश जी ने दुख जाहिर किया, बोले बड़ी मुश्किल से हमारे पास एक सेठ आया था, इनके पास इतने बड़े बड़े सेठ हैं, हमारे पास तो एक आया था, उसको भी ये लोग छीन ले गए। इसका मतलब उस सेठ के जाने से उनको कसक है क्या? रेवती रमन के जाने से कसक होगी कि नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, कौकायदे कुकुर मुत्ते थे रेवती रमन भी, लेकिन संजय सेठ के जाने से कसक है। सियासत के इस चरित्र को भी समझो दोस्त, क्या मनोज पांडे कुकुर मुत्ता है, 30-35 साल हो गए मनोज पांडे को भी राजनीति करते हुए, लेकिन संजय सेठ का दुख है समाजवादी पार्टी को। संजय राणा मैं बहुत प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये जो लोग अपने इलाके के फाइटर होते हैं वो किसी पार्टी में रहे, वो मेरी बुद्धि छोटी बुद्धि ही कहती, वो चुनाव को हमेशा प्रभावित करते हैं, जो भाजपा की लहर के बाद भी लगातार जीत रहे हैं अपने इलाकों से, मैं उनको ये कैसे मान लूं कि ये चिरकुट हैं कुकुर मुत्ते हैं? देखिए पहली बात तो किसी भी बड़े नेताओं को, अपने ही नेता पार्टी के नेता को कुकुर मुत्ता है किसी भी तरह के अशब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। देखिए जो भी नेता, चाहे मनोज पांडे जी हो, चाहे रेवती रमन सिंह साहब हो, ये सब कद्दावर नेता है और इस लहर के विरुद्ध जाकर के अपनी अपनी राजनीति को चला रहे और जीत के आ रहे हैं। जिसने भी कुकुर मुत्ता बोला, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिसने भी कुकुर मुत्ता बोला है इस लहर में वो जीत नहीं सकते हैं विधानसभा का चुनाव, लेकिन ये विधायक जीत के आए हैं उनका सम्मान होना चाहिए नंबर वन। अब दूसरी बात हुई संजय सेठ जी की। देखिए संजय सेठ जी कहीं ना कहीं फाइनेंस मैनेजमेंट करते थे और किसी भी पार्टी को राजनीति करने के लिए फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है, बिना फाइनेंस के कुछ ना होता है, बिना भोजन के नहीं हो सकते भजन, तो वही हाल कहावत है, बिना फाइनेंस की राजनीति नहीं हो सकती है। भाई सब कुकुर मुत्ते हैं लेकिन फाइनेंसर को गाली नहीं दे सकते। अब इनका अल्प ज्ञान बहुत है, मान लीजिए अगर राज्यसभा में एक कैंडिडेट ज्यादा चला गया तो अब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी तो बढ़ गया, वहां पे सीट तो बढ़ गई ना, जब निर्णय होंगे बड़े बड़े कानून बनेंगे तो आसानी से पास हो जाएंगे, तो इनकी बुद्धि में ए भी आना चाहिए। लेकिन इस जो धरातल पे जो 7 से 8 या 11 विधायक या कह लीजिए सिरमौर में, इनको गुलदस्ता कहता हूँ, समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते के फूल थे ये फूल जाएंगे कहीं ना कहीं कांटा तो चुभोएंगे ही चुभोएंगे, अपनी पार्टी का 50,000 वोट भी काट दे रहे हैं, 25,000 वोट भी काट दे रहे हैं, तो डैमेज किसको कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को, और फायदा किसको पहुंचा रहे? भारतीय जनता पार्टी को। तो किसी को भी कुकुर मुत्ता बोल देना या इस शब्द का प्रयोग कर लेना कहीं ना कहीं घातक है, और इस बात को अखिलेश जी समझ रहे हैं, लेकिन समस्या अखिलेश जी के साथ क्या है, जो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं जो चुनाव ही नहीं जीत सकते, एक भी चुनाव नहीं जीत सकते, वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो प्लानिंग बना रहे हैं, वो ही एग्जीक्यूट करा रहे हैं, इस वजह से समाजवादी पार्टी का यह हाल हो गया। देखिए शिवपाल जी का सीट बदल के बदायूं कर दिया गया, धर्मेंद्र यादव उनको हराने पहुंच जाएंगे वहां पे, देखेंगे तो घर सर पटौल तो इनके घर में चल रही है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समाजवादी पार्टी खान जवाब देंगे, तारिक खान जवाब देंगे क्या स्थिति है क्या नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं, क्या पता तारिक भाई जून के पहले हफ्ते में मनोज पांडे को लोधी रोड पर ही मकान मिल जाए, बगल में ही रहने आ जाए, तब क्या होगा? आज कुकुर मुत्ता बता रहे हो और 1 जून को वहीं अपना सामान उतारते मिले बगल वाली कोठी में, तब बड़ा, इसलिए बोल बड़े नहीं होने चाहिए राजनीति में, ये बात हमेशा रहनी चाहिए। शिवपाल जी ने भी कल कहा कि भटकती हुई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी, हमेशा के लिए तो आदमी तभी शांत होता है जब घाट जाए क्या, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं राजनीति में। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि अखिलेश जी का संजय सेठ के जाने पर मन भारी है, दुख है उनको गंभीर, बाकी कुकुर मुत्ता और शुतुरमुर्ग जो कहें, लेकिन भटकती आत्मा और दिस दैट, लेकिन संजय सेठ को अदब से स्मरण कर रहे हैं। तारिक भाई देखिए संजय सेठ सेठ है ये तो सभी लोग मानते हैं और अपना अपना हमारे गांव में कहते हैं कि सेठ लोग जो हैं वो सेठापन अपना दिखाते हैं। अब सेठापन कैसे दिखाते हैं पता है, गांव में सोने का दांत लगवा लेते हैं तो लगता है कि वो लोग सेठ हैं। अब यहाँ सेठ हैं भाई तो उन्होंने अपना सेठपन दिखाया होगा और सीट ले ली उन्होंने, ठीक है। देखिए राजनीति पे आपने बिल्कुल, मैं मानता हूं कि कोई किसी का नहीं है, कहीं भी जा सकता है,
और आजादी के बाद से इसके मतलब आपको तो याद होगा, हम लोग इतना याद भी नहीं कर पाएंगे, पन्ने भर जाएंगे, लेकिन जब जहां पर ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो कहना पड़ेगा। अब जिस मामले में अखिलेश जी को बुलाया गया है उसमें गायत्री प्रजापति जी भी है। अब पता नहीं कौन से डर से उनकी बीवी घर बैठ गई, वोट देने नहीं गई। खैर, नेताजी ने या अखिलेश जी ने, आप एक बात बताइए, किसी ब्राह्मण नेता को माता प्रसाद पांडे के बराबर के बाद मैंने समाजवादी में इतना सम्मान पाते हुए नहीं देखा जितना पांडे जी को मिला। सब लोग मानेंगे इस बात, सब लोग मानेंगे, मैंने अपनी आंख से देखा। तो सम्मान तो अखिलेश जी देते थे, कोई मामला नहीं था, कोई डील हो गई कि लोकसभा लड़ने आगे बढ़ना है भाई, मगर कोई यहां पर मौन मुटाव था। उनकी शिकायत थी मौर्या जी को लेकर, वो भी चले गए, और वो गए जिसपे लोग कह रहे कि एक्शन नहीं लिया। नहीं, उन्होंने कहा, मौर्या जी ने चिट्ठी लिख के अखिलेश जी से कहा था कि मैं महासचिव हूं, मेरी बात का महत्व है या नहीं है, मुझे दो दिन में जवाब दीजिए। अखिलेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब क्या था कि पांडे जी की बात का समर्थन किया था, जो वो कह रहे थे वो गलत कह रहे अखिलेश जी, तो आप भी चले गए और आप भी चले गए। तो बुरा वक्त, अब इससे क्या है कि हमारे नेता इस बात को न समझे कि आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। अभय सिंह ने कहा कि जब पार्टी भगा देगी तभी जाएंगे। पांडे जी ने कहा कि पार्टी माँ होती है, माँ के साथ गद्दारी नहीं की जाती। अब पता नहीं कैसे माँ के साथ गद्दारी कर गए, मुझे क्या पता, लेकिन अभी 4 या 6 दिन पहले गाड़ी में बैठ रहे थे तो एक कैमरामैन ने माइक लगा दिया और कहा कि भैया क्या पार्टी आई थी कुछ बदल रहे, कहीं नहीं पार्टी माँ होती है, माँ के साथ कहाँ गद्दारी की जा सकती है। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन ये अग्निपथ है और नेता जो है हमारा वो अग्निपथ पे चलेगा कभी हमेशा। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, और तू ना थमेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ठीक ठीक, अग्निपथ अग्निपथ तो बुरा है, हम इस मानते बिल्कुल ठीक बात, तारीख ठीक बात कही और सेंसेबल बात कही, वक्त बुरा है, ठीक बात है। मैं उमेश यादव के पास चलूं, फिर ओपी भाई के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कुछ चीजें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, आज अखिलेश जी ने फिर आलोक रंजन के हारने का दुख जताया है। अब मेरे मन में एक, मेरा भी स्वभाव थोड़ा विचित्र है, जानते हैं सब लोग, मैं चाहता हूं कि रुक जाऊं, मैं काय को बोलूं, लेकिन फिर भी अगर आपको इतना ही आलोक रंजन से प्यार था तो आलोक रंजन को 45 से मिले अलॉट कर देते। आपकी रुचि जया बच्चन में थी कि जया बच्चन हर हाल में जीत के जाए, क्योंकि जया बच्चन पीडीए का चेहरा है पूरे ब्रह्मांड में, वो एटा इटावा फरुखाबाद गुरसाहेगंज गरौठा मऊ पडरौना में जाएंगी तो लाखों आदमी एकदम अखिलेश यादव पीछे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे जया जी ने बोल दिया। गजब कर रहे हो यार, अब इस नासमझी पर क्या कहें। अगर जया बच्चन को 37 ही वोट मिलते तो कोई बुराई थी, 41 वोट क्यों मिले उनको, क्यों दिलवाए गए उस गरीब को, फंसवा दिया बाबू को, आलोक रंजन को। क्या जो संभावनाएं भविष्य की बनती भी कहीं यूनिवर्सिटी फिनवर्सिटी में कुछ हो जाते वाइस चांसलर, वो भी गए क्या? अब आप ही का वो राजन चौधरी के साथ बैठ के कागज बनाएंगे रिलीज, और क्या करेंगे? मुझे बताओ ना, अगर आपकी इतनी ही प्यार था तो आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया? भाजपा में जितने भर का वोट मिला, क्योंकि बैंक बैलेंस है कि ज्यादा वोट रखेंगे, और जया बच्चन तो नेता नहीं है इस बात से, तो तारिक खान क्या अखिलेश जी खुद सहमत होंगे, जया बच्चन नेता नहीं है, उनका राजनीतिक व्यक्तित्व तो क्या है, कुछ नहीं, वो अमिताभ बच्चन की पत्नी है, बस इतनी बात है, बाकी वो काइस्त भी नहीं, बंगाली भी नहीं, उनका कोई जाति का अटैचमेंट थोड़ी ना है। क्या ऐसा है कि इटावा के काइस्त जया बच्चन के कारण वोट देंगे सपा को? नहीं ना, उनका कोई कहां कुछ है, लेकिन आपने उनको सबसे ज्यादा वोट दे दिए, वो तो बच गए, रामजीलाल सुमन निपट जाते, वो तो पल्लवी अल्लवी सबने धक्का लगाया तो बच गए, निपट जाते। चाचा चंद्रशेखर के समय मंत्री थे रामजीलाल, उनका भी बढ़ोतरी खराब होती, इसलिए ये सब चीजें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं मित्र। खैर, उमेश यादव जी,
इस राज्यसभा के भूकंप से ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को क्या सबक लेना चाहिए या क्या सबक लिया? अगली बार तो ऐसा नहीं कहोगे जब अगले कोई भूकंप आए आज से 500-600 साल बाद हम पूछे तो आप कह दो ओपी सिंह की पार्टी ने हमको सीटें 4 दी लेकिन 3 अपने उम्मीदवार ठेल दिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे? देखिए आपके सामने बैठ के बहुत जलेबीदार बातें हो नहीं सकती, तो बहुत विशुद्ध बात कहें कि राजनीति में क्या क्या संभावनाएं बनती है, भविष्य में क्या कहना पड़ेगा, इस पे कोई कोई भी, ये जो हम तीन लोग बैठे हैं तीनों में से कोई कुछ नहीं कह सकता। और जो वर्तमान राज्यसभा चुनाव के हालात हैं आदरणीय अमिताभ जी, ये सच बात यह है कि यहाँ से बात शुरू हुई। देखिए ये जो पांडे जी गए हैं, मनोज पांडे जी गए, राकेश प्रताप सिंह जी गए हैं, ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग, देखिए आपने कहा कि इस भाजपा की लहर में भी ऐसे लोग जीते, निश्चित जनाधार वाले हैं, निश्चित है। तो जब उनको जनता ने चुना तो उसी जनता का दबाव यह होगा कि भगवान राम का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ आप जाएंगे। कहीं ना कहीं जो लोग वोट की राजनीति करते हैं आदरणीय अमिताभ जी, वो जानते हैं उनको उन्हीं के बीच जाना है, उनको जनता के बीच जाना है। लगातार मनोज पांडे जी, राकेश जी और अन्य सारे लोग जो गए, इसकी असली बात शुरू हुई जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई और दर्शन के लिए जाना था, बात वहां से शुरू हुई। व्यक्ति राजनीति में सब कुछ सह सकता है, तारिक खान साहब बैठे हैं, बात जब धर्म की आती है, वो चाहे इस्लाम धर्म का व्यक्ति मानने वाला हो चाहे सनातन का हो, जब उसकी अंतरात्मा जवाब नहीं देती तो वो इस तरह का निर्णय लेता है। असल बात यहां से शुरू हुई आदरणीय, इस राज्यसभा चुनाव की जो बात है यह राजनीतिक कम है या अंतरात्मा की आवाज ज्यादा है, ऐसा मेरा। ठीक है, अंतरात्मा भी अंतर ही आत्मा है, उसका कोई नहीं जान सकता भैया। खैर, ओपी सिंह जी, क्या राज्यसभा के इस घटनाक्रम में राम मंदिर एक उत्प्रेरक का काम कर रहा था, एक उत्प्रेरक के रोल में था राम मंदिर का लोकार्पण? ध्यान से अमिताभ जी देखिए, तो जो भूकंप आया है उसकी नींव में देखिए तो राम मंदिर ही है, राम और राम मंदिर। राम तारक भी हैं और राम विनाशक भी है, आप उसको ध्यान से देखिए जी। रामचरितमानस का विरोध किसने किया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने। विरोध लगातार किसने किया? मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने। राम मंदिर पर जब समाजवादी पार्टी ने विरोध किया कि हम नहीं जाएंगे और ये करेंगे, तो उसका विरोध किसने किया? राकेश सिंह ने किया। तो दोनों के जो विरोध करने का जो कारण था, मनोज पांडे और राकेश सिंह का, वो किसको लेकर के था? राम को लेकर के था। तो आप क्यों नहीं मानते कि इनका जो विध्वंस हुआ है वो राम के कारण ही हुआ है? एक चीज तो आपने स्पष्ट रूप से देख लिया। दूसरी चीज, अगर हम हिंदू हैं और हम अपने ग्रंथ का, अपने धर्म का, अपने साधु संत का, अपने इष्ट देव का, जिनको हम परमात्मा मानते हैं, उनका विरोध करते हैं तो हमें क्या कहते हैं? नास्तिक। और ये नास्तिक वाला विरोध करने वाले कौन थे? दो लोग। पहले चीज तो आप ये देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो हिंदू नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है क्योंकि आप बहुत विद्वान एंकर हैं और पत्रकार हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। राम पर का जो ये जो न मानने वाले जिन्होंने काल्पनिक पात्र कहा, वो भी हिंदू नहीं है। अब आप कहेंगे ओपी से कैसी बात करते हो, राहुल गांधी न पितृपक्ष से हिंदू है न मातृपक्ष से हिंदू है, और हम होते कब हैं? या तो हम पितृपक्ष से जाने जाते हैं या मातृपक्ष से जाने जाते हैं, दोनों से हिंदू नहीं है। रही बात तीसरे इस खानदान की, और एक बात इसमें, एक चीज और समानता है, वो समानता ये है कि चाहे वो वाम दल हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वर्तमान नेता से लेकर के संस्थापक उन पार्टियों के नेता तक, ये राम विरोधी है। कभी भगवान राम के मंदिर में अयोध्या नहीं गए।
ठीक अगर इसमें से कोई नेता बड़ा नेता गया हो नहीं गया तो मैं राजनीति से त्याग पत्र दे ठीक है ओपी सिंह जी ठीक है। ये आपने एक सवाल किया है कि क्या इसमें राम है, बिल्कुल राम है ठीक। और राम का सबने विरोध किया है, कोई निर्दोषों को पर गोली चला के हत्या करके, कोई सुप्रीम कोर्ट में जो है काल्पनिक पात्र करके, कोई राम की जो है हास्यास्पद हंसी उड़ा करके। ठीक बात ओपी सिंह, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। तारिक खान एक सवाल, एक सवाल मेरे जहन में आपकी पार्टी के लिए है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ना इधर के पक्ष को साध पाए ना उधर के पक्ष को साध पाए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मौर्या भी गए तो आपको खरी खोटी सुना के गए, मनोज पांडे भी गए तो आपको खरी खोटी सुना के गए, क्या तो फिर आपकी क्षमता पर भी सवाल उठेगा एक। और दूसरा इसी में सप्लीमेंट्री है, एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। हमारे यहां कहा जाता है, जिस लोक परंपरा में मैं पला बढ़ा, कहा जाता है भैया कोई नया रिश्ता हो तो 6 महीने तक उसके पांव देखो, क्या शुभ है कि अशुभ है, क्या शादी में हम माना जाता है लड़की बहू और बहुरिया आई तो, दुल्हनिया आई तो देखो, और दामाद आए तो भी देखो, क्या एक नई बात कह रहा हूं, मनोज पांडे की जाने की बात नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के समय से आज तक उनके परिवार को सीबीआई की चिट्ठी नहीं आई थी, इतना तो बचे थे, क्या जब से राहुल गांधी से आपने जीप पर चढ़े, क्या बताइए वो भी हो गया जो अभी तक नहीं हुआ था। ये मुकदमा आज का नहीं है, 2016 से जांच चल रही है, आज तो 24 है भैया, नहीं ऐसी पुरानी बताइए। दुनिया भर में सीबीआई गई, लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न था कि हमारे उत्तर प्रदेश में बवाल नहीं है, ना मायावती जी पे लफड़ा है, ना अखिलेश यादव पर। आप जीप पर बैठे भी कितने दिन हुए आगरा में, क्या कैसे चढ़े भैया, क्या शगुन किए, शायद किए, मैं समझ नहीं पा रहा। पार्टी टूटी टूटी, नोटिस और आ गया बवाल, और सीबीआई खेल आप जानते हो कितना खतरनाक है। ये विधुना के दरोगा चौकी का मामला तो है नहीं थाने का। तारिक खान साहब, एक बार सीबीआई क्लीन चिट दे चुकी है नेताजी को, पुराना मामला है वो आप तो जानते ही हैं। ना ना तारिक, वो क्लीन चिट प्लीज, एक सेकंड लूंगा। सब चिट हो गई थी, ना मुलायम सिंह बुलाए गए थे, ना उनसे घंटों बैठा पूछताछ हुई थी कि अपना चाय नाश्ता संगलाना पूछेंगे, ना ना वो अपने आप ही हो गई थी जो कुछ चिट चैट होना था, ये तो बुला लिए हैं। अच्छा आपने कहा कि जीप पे बैठे बस सीबीआई आ गई, तो क्या जो राहुल जी के साथ गए अखिलेश जी उसकी वजह से सीबीआई? ना 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 सगुन, अरे मैं उस वजह में नहीं जा रहा, मैं तो धार्मिक आदमी हूं, मैं कह रहा भैया ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता कोई बच्चा जन्म लिया पिता की नौकरी छूट गई उसके ग्रह ऐसे, कई बार लड़की की शादी की पिता का व्यापार बैठ गया लक्ष्मी चली गई, कई बार दामाद आए भैंस मर गई, तो हम लोग मानते हैं कि उनके पांव देखो भैया। ये कह रहा हूं आपने बताया जी, देखिए ऐसा है कि मैं भैया मेरा व्यक्तिगत कुछ चीजें व्यक्तिगत ही कहते, मेरे हिसाब से कुछ भी अशुभ नहीं है, सारे दिन शुभ है, ये हमारे धर्म का भी मानना है और मेरा भी मानना है, तो उसमें कुछ अशुभ और अशुभ की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक अजीब बात है, आप समझिए बात, जिसने बेवफाई की उसका भी कोई गुना नहीं, जिसने बेवफाई कराई मेरी बीवी लेके समझ लीजिए भाग गया उदाहरण मेरा, उसकी भी कोई गुना नहीं, सारे गुनेगार हम जिसके साथ बेवफाई। तारिक बाबू ठीक है, ठीक है, वही ठीक कोई गुनाह नहीं भैया, वक्त का गुनाह है, ठीक है वक्त का गुनाह है तारिक, ठीक है मैं संजय राणा से एक सवाल और लूंगा, ठीक है तारिक भाई ठीक है, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा तारिक खान को। उन्होंने कहा हमारा मजहब ये शगुन शायद की इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं उनके मजहब से जोड़ के एक सलाह देता हूँ, सवाल नहीं सलाह है छोटे भाई नाते, जब ऊपरी साया लगे है कोई और परेशान कर रहा है तो ताबीज पहन लेते हैं, क्या झाड़पूंग भी करा लेते, ताबीज भी पहन लेते, जीप पर चढ़ना था तो ताबीज पहन के चढ़ना था, क्या काला धागा बांध लेते ताबीज पहन के चढ़ते, वो तो बलिदानी जत्था है, वो 400 से 44 पे आ गए, उनका मुकाबला आप क्या करोगे, वो तो बलिदानी है
400 से 44 पे आ गए और भगवान का आशीर्वाद रहा और कुर्बानी देने को तैयार है। 44 से 14 हो जाए कोई गम नहीं, क्या जीप पे चलेंगे, इनका तो सब बिगड़ जाएगा। अच्छा मान लीजिए मेरे जीवन में कभी ऐसी घटना ना घटे कि हमको चौकी वाला बुलाए संजय राणा और फिर बुला ले, क्या तो मैं मानूंगा कि मेरे ग्रह कुछ बहुत ही खराब हो गए, आज तक मुझे चौकी से संबंध नहीं आया। मान लीजिए क्या आय से अधिक का संपत्ति का मुकदमा, दिस दैट, सारी सरकारें केंद्र में रही, मुलायम सिंह जी का समर्थन वाली भी गैर समर्थन वाली भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुलायम सिंह जी से कहा हो कि भाई आओ और मेटल डिटेक्टर से गुजरो, अपना थर्मस साथ लाओ पानी का, क्या और 4-6 घंटे आपसे अंग्रेजी में पूछताछ होगी, नहीं कहा गया क्या? जो कुछ उनको छूट छाट देनी थी दे दबा के बवाल रफा दफा हुआ, वो मोदी की सरकार में हुआ है क्या? जो क्लीन चिट मिली है वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार में मिली है क्या? और अगर कांग्रेस और सपा की माने तो सीबीआई इनके इशारे पर काम करती है क्या? तब भी क्लीन चिट मिली, लेकिन आप जीप पर चढ़े बिना तावीज के और बवाल हो गया संजय राणा नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए ऐसा है कि शुभ अशुभ सारे धर्मों में होता है, चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो। ये तारिक भाई पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं कि इनका नहीं होता, पाक दिन भी होते हैं नापाक दिन भी होते हैं, तो ये इस पे हमें बहस नहीं करनी चाहिए। देखिए उस व्यक्ति के पांव इतने नापाक हैं, बंगाल में पहुंचा टीएमसी भाग गई, बिहार में पहुंचा जेडीयू भाग गई, अब उत्तर प्रदेश में पहुंचा समाजवादी के ऊपर कलंक का मतलब कहर, सुनामी आ गई, सुनामी तो आ गई, बेचारे इनके तितर बितर हो रहे हैं इनके विधायक, एक तरह से पार्टी में खलबली मची हुई है। तो समझ सकते हैं उस व्यक्ति के पांव रखने से कितना ज्यादा अपशकुन हो रहा है। और किसी भी, हम देखिए हिंदुस्तान में रहते हैं, संस्कृति वाला देश है हमारा और इस बात को हम मानते हैं, हम यहाँ जितने 4-5 लोग बैठे हैं कहीं ना कोई अंगूठी पहना होगा, कहीं ना कोई ताबीज पहना होगा, इंक्लूडिंग मी, तो भाई हम मानते हैं तभी तो कर रहे हैं कि हमारे ग्रह खराब है। भैया क्यों उस जगह पे जाना जहां पे हमें नुकसान हो चुका हो, और इनके ग्रह एक बार 2017 में यही व्यक्ति खराब कर चुके थे, फिर उसी गाड़ी पे जाके बैठ गए, एक बार जो गाड़ी पंचर कर दिया था व्यक्ति उसकी गाड़ी पे बैठने की जरूरत क्या थी, बढ़िया दुकान चल रही थी, दुकान में सामान भी लगा हुआ था, ग्राहक भी आ रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ चंगा चल रहा था, लेकिन इनको क्या था कि गाड़ी पे बैठना चाहिए। आप पूरे मुलायम सिंह खानदान का देख लीजिए, कभी भी कोई आरोप नहीं लगा, कभी भी इनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठी और इंक्वायरी के लिए बुलाया नहीं गया। सोचिए अखिलेश जी को बुलाया जाता है, सिरमौर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, ये कितना बड़ा डेंट करेगा। अब ये त्राही माम मचाएंगे, जबकि ये जो कार्रवाई हो रही है वो हाई कोर्ट के आदेश पे हो रही है, सरकार के आदेश पे नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी त्राही माम मचाएंगे कि सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है। तो ये सब चीज देखना चाहिए, झाड़ फूक करा लेना चाहिए, हम तो बोलते हैं एक बार जाके झाड़ फूक कराओ और इमीडिएटली गठबंधन तोड़ दो, अलायंस से बाहर हो जाओ। ठीक है, मैं एक बात तारिक खान ने उठाई थी, मैं उस पर एक बता दूं, ये जिस समय का मसला है, तथ्य ये है, बाकी सबको आजादी है चाहे जैसे प्रस्तुतिकरण करो, ये जिस समय का मसला है खनन का, हमीरपुर के एक राजनीतिक परिवार को 22 पट्टे दिए गए क्या, ये उसका मामला है। और जिस वक्त वो 22 पट्टे दिए गए, मैं परिवार को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, उस वक्त गायत्री नहीं थे, उस वक्त अखिलेश जी के पास एज ए सीएम खनन का चार्ज था, इसलिए अखिलेश यादव को नोटिस है, नहीं तो गायत्री तो जेल में है, वो डबल जेल में हो जाएगा, उसको क्या क्या अस्पताल में जूस पी रहा है मौसमी का क्या, महाराज जी विधायक है और क्या उनका बुखार लोग भाई कुछ नहीं। लेकिन अखिलेश जी को नोटिस आना बड़ी बात है, ये सब तो प्रवक्ताओं से कहला दिया जाता है कि हम लोग तो कुर्बानी देने वाले हैं और आप बलिदानी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कौन बलिदानी होता भैया है, जिसके पीछे भूत लग जाए उसको उससे पूछो है। पहले लोग सती जब कराते थे तो कहते थे सती मैया की जाए, सती मैया की जाए, इतनी जोर ढोल बजाते थे कि महिला को जिंदा चिता में झोंक देते थे और बोलते सती मैया की जाए, महिला रो रही उसकी आवाज ही नहीं आ रही क्या, बोले ये तो माता है सती। अरे जिससे पीछे मुकदमा लगे उससे पूछो भैया, वो बताएगा। खैर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को मैं अभी भी उत्तर प्रदेश में विपक्ष से मुख्य प्लेयर सपा को ही मान के चल रहा हूं, ठीक, सपा को बड़ा नुकसान हो जाएगा राज्यसभा के इस कू से, इस अभियान में जो हुआ। मेरे लिए संजय सेठ इमेटीरियल है क्या, तमाम सेठ आते जाते रहते हैं राजनीति में, और भाजपा के लिए भी कोई संजय सेठ महत्वपूर्ण थोड़े ना हो सकते भाई क्या,
कोई इकलौते बिल्डर है, ऐसे जन कितने बिल्डर है, किसी के नाम शालीमार, किसी के नाम मुगले आजम, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन और आज 7 सीट भी रहती तो अभी बहुमत से 4 सीट दूर है, 4 अंक दूर है राज्यसभा में एनडीए, 7 रहती यूपी में तो 5, कोई आसमान तो गिर नहीं जाता। संजय सेठ के जितने हारने को मैं बड़ी घटना नहीं मानता, मजे लेने के लिए ठीक है, अच्छी घटना है कि सपा को डेंट हो गया, लेकिन बड़ा डेंट तो इंतजार कर रहा है लोकसभा का। इससे कौन इनकार कर सकता है कि रायबरेली और आजमगढ़ दोनों बीजेपी ने साथ लिए, इससे कोई इनकार कर सकता है क्या, जो लोग वहां की जमीन को जानते हैं। जैसे अखिलेश जी ने आजमगढ़ को साधा गुड्डू जमाली को लाके, क्या अगर आप ये मान रहे हो कि गुड्डू जमाली आने के बाद अखिलेश जी के लिए अंबेडकर नगर आजमगढ़ सेफ हो गया, तो आपको यह भी मानना होगा कि रितेश पांडे और उनके पिता के इधर आने से और रायबरेली से मनोज पांडे के आने से भाजपा के लिए दोनों हारी हुई सीटें अच्छी हो गई, ये मानना होगा। फिर आपको यह भी मानना होगा कि बिलसी का विद्रोह शिवपाल जी के लिए संकट पैदा करेगा, लिख लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि डीपी यादव ही लड़ेंगे चुनाव, लेकिन संभावना उनकी भी है क्या। और जो लोग बदायूं को जानते हैं वो जानते हैं कि कैसा संघर्ष होगा, दो महाबली यादव टकराएंगे क्या, और उसमें मौर्या जी इधर आई गए, मौर्या 3 बार जीते हैं। पूजा पाल ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी को इस पर चिंतन करना चाहिए। अभय ने क्या कहा, राकेश सिंह ने कहा क्या, मैं उसमें नहीं, पूजा पाल ने कहा मेरा वोट भाजपा को योगी जी के प्रति सम्मान का टोकन है, क्यों, उसने कहा कि अतीक के गैंग का समापन किया इस सरकार ने। कौशाम्बी और फूलपुर, यहां से कहीं से भी पूजा पाल भाजपा के टिकट पर लड़ जाएगी तो समाजवादी पार्टी के लिए संकट पैदा हो जाएगा, लिख लीजिए। मैं जीत हार की भविष्यवाणी नहीं करता। और क्या सपा में कोई ऐसा है जो ये कह सके कि रेवती रमन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ऐसा कोई कह रहा है तो इसका मतलब उसने काला चश्मा लगा रखा बिल्डिंग वाला, उसको कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। ये कैसे हो गया एक दिन में, एक दिन में नहीं हुआ, दीवार पर लिखा था आप पढ़ना नहीं चाह रहे थे, ऐसी भाषा से परहेज करिए। तारिक भाई, वक्त होता है तो आदमी आपकी तीखी बात सुन लेता है, लेकिन उसको दिल में गांठ बांध के रख लेता, कहता जब मेरा वक्त आएगा तो मैं ब्याज सहित चुकता कर लूंगा क्या। ऐसी स्थितियां राजनीति में होती हैं। तीसरी आखिरी बात मैं कहूंगा, मैंने राम का उल्लेख किया, राम मंदिर का उल्लेख, ओपी सिंह जी, जब ये विपक्ष वाले सपा कांग्रेस वो सब लोग कह रहे थे कि बहुत ही गलत मुहूर्त निकाला है राम मंदिर का, भैंस के भयंकर परिणाम होंगे, तो आप लोग समझ रहे थे दूसरी बात करें ना, इन्हें पता था कि राम मंदिर का लोकार्पण होगा तो कैसे भयंकर परिणाम होंगे बताइए, इससे और भयंकर क्या परिणाम होंगे, टान टपरिया सब उड़ रही है, ऐसी हवा चल रही। और केवल अभय और राकेश का मसला नहीं, मनोज पांडे का, तारिक खान ये संयोग ही कह लीजिए, राजा महाराजा मंडी वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिनके बाद हिमाचल की सुक्कू सरकार के सुख भरे दिन बीत गए और वो खूंटे पटंग गई, उन्होंने राम मंदिर के 21 जनवरी के कार्यक्रम को श्रद्धा के साथ निवे उस पर अपनी जताई थी अभिव्यक्ति, क्या कांग्रेस में अकेले नेता थे क्या, वो भी अलग हो गए, कुछ तो राम के नाम का चमत्कार है ना मित्र क्या। गौरीगंज से लेके और मंडी हिमाचल तक राम ही राम है तब, और ये बात ठीक है, कहा गया था कि राम मंदिर में न्योता आएगा तब जाएंगे,
न्योता आ गया तो बोले नहीं इनके न्योते पर नहीं आएंगे, राम रामलला चिट्ठी लिखेंगे तब जाएंगे। फिर बोला भीड़ में नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे। फिर जब विधायक जा रहे थे तो भी नहीं गए। आपसे समझदारी तो कांग्रेस ने दिखाई, दोनों विधायक भेज दिए रामलला के दर्शन को, प्रमोद तिवारी की बिटिया भी और वो दूसरे भी। आप लोग किस भ्रम में थे, क्यों नहीं गए, किस रंगबाजी में थे भाई? और थे तो झेलिए, ये विद्रोह हो गया ना। आपको इस ताप का अंदाज है। गुड्डू जमाली का आना ये बताता है कि समाजवादी पार्टी को इस ताप का अंदाज है कि जमीन अभी भी हिल रही है, इसीलिए गुड्डू जमाली की एंट्री हुई। वरना गुड्डू जमाली से भी नाराजगी छोटी नहीं थी, इसीलिए एंट्री हुई कि कम से कम आजमगढ़ तो सुरक्षित हो। अब कितना सुरक्षित होगा नहीं होगा, मायावती जी कोई दूसरा जमाली ढूंढ लाए जिसका नाम बबलू जमाली हो या बबलू बवाली हो, तो क्या करिएगा? मायावती जी के उम्मीदवार खोजने की प्रक्रिया पर तो अंकुश लग नहीं सकता। इसलिए मैं कहूंगा कि संभल में एक बड़े नेता थे आपके वर्क साहब, उनका इंतकाल हो गया। फिर भी देखिए बर्क साहब के परिवार ने, उनके पोते ने तारिक खान वोट डाला, फिर गए संभल, गया संभल। ये डेडिकेशन तो उस परिवार ने दिखाया ना। लेकिन कोई दूसरा शफीकुर रहमान बर्क तो नहीं हो सकता 40 दिनों में क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ तो है, इसकी झाड़ फूंक करा लेते, चाहे कलियर पीर में करा लेते और चाहे काशी के कोतवाल के यहां करा लेते, भैरव बाबा के यहां। लेकिन झाड़ फूंक तो जरूरी है। ये केवल संयोग नहीं हो सकता कि अखिलेश जी जीप पर चढ़े और संकटों ने घेर लिया, और उसमें भी एक ऐसा संकट जो कभी नहीं आया परिवार पर। यह परिवार आज से राजनीति में, 50 वर्षों से राजनीति में है, क्या वो संकट आ गया? इस पर चिंतन होना चाहिए, चिंता भी होनी चाहिए। समस्या बड़ी है, चुनाव सर पर है। हमारे यहां कहा जाता है, ये कहना सरल है कि हम लोग मुकदमों से नहीं डरते। लालू जी से पूछो मुकदमा क्या होता है, उनसे पूछो। पहले उनकी पार्टी के भी लोग कहते थे हम लोग डरते नहीं, क्या स्थिति रही? मुकदमा मुकदमा होता है, झंझट झंझट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों के भीतर जो घटनाक्रम घटे हैं उनका लोकसभा के चुनाव पर बड़ा असर होगा, निर्णायक असर होगा। धन्यवाद।